नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है, कुछ दिन और शेष रह गए हैं। बिहार में चुनाव के उल्टी गिनती शुरू हो गए हैं और इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। चाहे बात महागठबंधन की हो या फिर एनडीए गठबंधन की, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है, देखिए महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, रालोसपा महागठबंधन से बाहर हो सकती है। आज औपचारिक ऐलान कर सकते हैं रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है और अब महागठबंधन रालोसपा छोड़ सकती है किसी भी वक्त। सबसे बड़ी खबर बिहार के सियासत से जुड़ी हुई मानी जा रही है। इससे पूर्व जीतन राम मांझी ने और उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने महागठबंधन छोड़ दिया था और सीधे तौर पे आरजेडी को इसका जिम्मेवार ठहराया था, तेजस्वी यादव को इसका जिम्मेवार ठहराया था। और अब जो खबरें सामने आ रही है, देखिए रालोसपा भी अब किसी भी वक्त महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर सकती है। उपेंद्र कुशवाहा किसी भी वक्त इसको लेकर ऐलान कर सकते हैं। आज रालोसपा के प्रदेश कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इस आपातकालीन बैठक में ये तय होगा कि महागठबंधन में रालोसपा रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए एक सप्ताह पूर्व उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात तेजस्वी यादव के साथ हुई थी, लेकिन अब पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद कह रहे हैं कि एक बैठक से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। तेजस्वी यादव के साथ उपेंद्र कुशवाहा मात्र अब तक एक बैठक कर सके हैं इस विधानसभा चुनाव से पूर्व सीट शेयरिंग को लेकर, और ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को तवज्जो नहीं दे रहे हैं तेजस्वी यादव। हमने टुडे बिहार न्यूज पर दिखाया था, तब उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रही है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने तो जहर पी लेने तक की बातें कही थी, यानी कि कम सीटें भी अगर मिलती है तो वे चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के साथ। लेकिन अब बातें नहीं बन रही है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा किसी भी वक्त महागठबंधन छोड़ सकते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा खफा हैं तेजस्वी यादव से, और माधव आनंद पार्टी के प्रधान महासचिव वे कह रहे हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी रालोसपा महागठबंधन से बाहर होती है तो सीधे तौर पर इसका जिम्मेवार आरजेडी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस होगी, क्योंकि उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा है। चुनाव के दिन करीब आ गए हैं और सीट शेयरिंग को लेकर बातें कब सलटेगी, इस बात को लेकर ये मंथन चलने वाला है कि आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव नहीं सुन रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आज विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और ये तय होगा पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक में कि क्या रालोसपा महागठबंधन में रहे, क्या रालोसपा महागठबंधन छोड़ दे, इसको लेकर आज विचार होनी है। देखिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच पहले से ही फंसा हुआ है। अब तक ना तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक तय हुई है और ना ही ये तय हुआ है कि बिहार में किसके चेहरे पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि आरजेडी ये तय करेगी कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है और तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से सीएम के दावेदार होंगे, लेकिन ये बातें बन नहीं रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं हो रही है। रालोसपा तो ये कह रही है कि तेजस्वी के चेहरे पर उन्हें कुछ नहीं कहना है, वे सहमत हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर तो बातें हो, चुनाव के दिन नजदीक आ गए हैं और ऐसे में महागठबंधन उन्हें धोखा दे, कम सीटें मिले, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ सकते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे कहां। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।